वेलकम बैक फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप हमारे पहले वाले सारे वीडियो देख चुके होंगे। पिछला वीडियो जो हमारा था वो था पोट्रोनिक्स के बारे में, जो कि एक बजट रेंज का स्पीकर है। और आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रीमियम रेंज में कौन सा स्पीकर हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास सबसे अच्छा है। और ये स्पीकर हमारे पास जो है ये सोनी का XB-40 है, SRS का, जो कि एक्स्ट्रा बेस स्टैंड करता है XB। और जिसका अगर मैं डिब्बा आपको दिखाऊँ तो ये आप जिस तरह से डिब्बा इसका देख सकते हैं, एक्स्ट्रा बेस लिखा हुआ है इस डिब्बे पे। और ये है सोनी का एक्स्ट्रा बेस XB-40। इसके डिब्बे पे अगर आप देखें तो ये जो MRP प्रिंटेड है वो 16999 का है, 17000 का, लेकिन आपको ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा 13000 के अराउंड। लिंक्स आपको परचेस के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके इनबॉक्स कंटेंट्स की बात करूं तो इस डिब्बे के अंदर आपको एक स्पीकर और एक एडॉप्टर जिसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं वो मिलता है। किसी भी तरह का ऑक्स केबल या फिर किसी भी तरह का SD कार्ड या फिर और कुछ प्रोवाइडेड नहीं है। और अगर मैं बात करूं स्पीकर की तो आइए देखते हैं हम स्पीकर। और इस स्पीकर को आप जैसे देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, एटलीस्ट पिछले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा है। इसको कैरी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ये पोर्टेबल है, आप इसको ले जा सकते हैं अपने साथ। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं बड़ा होने के साथ साथ। इसमें बैक रेडिएटर भी दिया गया है जिसके थ्रू आपका बेस ज़्यादा बेटर आता है आगे और पीछे दोनों साइड से। और इसमें स्टीरियो साउंड्स के लिए दो स्पीकर्स हैं और जिससे कि स्टीरियो साउंड आता है। और अगर मैं पीछे इसकी बात करूं तो आप इसको फ्लैप ओपन करके देख सकते हैं, यहाँ पे एक USB दिया हुआ है जिसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं USB के थ्रू प्ले करने के लिए, बट आप एज अ मोबाइल चार्जिंग, आप एज अ पावर बैंक इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पावर इनपुट दिया हुआ है इसके यहाँ पर, और ऑडियो केबल के लिए ऑडियो जैक यहाँ पर ऑक्स केबल लगा सकते हैं, और रीसेट का यहाँ पर एक बटन है। और अगर ऊपर में आप देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम प्लस माइनस करने का स्पेस आपको दिया गया है बटन्स। और ये ऐड जो है ये आप किसी और स्पीकर को या फिर किसी फ़ोन को ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कॉल वाला बटन है इससे कॉल रिसीव या कॉल कट आप कर सकते हैं हैंड्स फ्री कॉलिंग के लिए। और इसी को अगर आप देर तक दबाए रहते हैं तो आपको ये बैटरी परसेंटेज बताता है बोल के, कोई भी बैटरी इंडिकेटर इसमें देखने वाला नहीं है। और ये प्ले पॉज का बटन है, ये पावर ऑन ऑफ है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा बेस आप देख सकते हैं, ये बटन है एक्स्ट्रा बेस के लिए, जिसको आप प्रेस करिए तो एक्स्ट्रा बेस होगा। अभी मैं जैसे ऑन अगर इसको करता हूँ तो ये ऑन हो गया है अब, और एक्स्ट्रा बेस अभी ऑन है जो कि मैं ऑन या ऑफ़ कर सकता हूँ। अगर मैं एक्स्ट्रा बेस वाले बटन को दबाए रहता हूँ 3-4 सेकंड के लिए तो इसमें लाइटिंग ऑन हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं अभी। और लाइटिंग ऑफ़ करने के लिए भी हम एक्स्ट्रा बेस के बटन को 3-4 सेकंड तक के लिए दबा सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से सजेस्ट होता है एक्स्ट्रा बेस इसका बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको मैं प्ले करके साउंड सैंपल लास्ट में दिखाऊँगा जो कि आप देख सकते हैं। और जहाँ तक बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की है तो IPX5 रेटिंग का है, जो कि वाटर रेजिस्टेंट है। आप इसे स्प्लैश प्रूफ भी कह सकते हैं, और पूरी तरह पानी के अंदर डाल तो नहीं सकते हैं बट आप पानी इसके ऊपर अगर चला जाए तो कोई इशू नहीं है उससे। और इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ, और लाइटिंग के थ्रू अच्छे कंडीशंस का लुत्फ़ उठा सकते हैं। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ इसके प्रोज की तो इसके प्रोज में ये है सबसे पहला प्रो कि इसका बैटरी लाइफ बहुत ही लंबा है। सोनी क्लेम करता है कि 24 आवर्स का ये बैटरी बैकअप देता है, और मैंने अपने पर्सनल यूजर्स में देखा है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 18-20 आवर्स दे देता है अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो। और उसके अलावा इसका स्प्लैश प्रूफ होना भी इसका बहुत ही बड़ा प्रो है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके लाइटिंग के लिए तो वो भी एक प्रो है, जिससे आप अलग अलग तरह का लाइटिंग क्रिएट कर सकते हैं। एक सोनी म्यूज़िक ऐप आता है जो कि आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फ़ोन पे, और उसके थ्रू आप लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्पीकर का। और इनफैक्ट उसके थ्रू आप और भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, उसके थ्रू आप DJ के ऑप्शंस का इफ़ेक्ट ले सकते हैं अपने स्पीकर के थ्रू, और एक पार्टी चेन आप क्रिएट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5-10 जितने भी स्पीकर्स कनेक्ट करके एक साथ बजा सकते हैं। ये सब चीज़ इसमें प्रोवाइडेड है। अगर मैं बात करूँ इसके कॉन्स की तो इसके कॉन में बस छोटा सा एक कॉन मैं बोलूँगा, ये थोड़ा हैवी है, 1.5 किलो इसका वज़न है, और ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है। वैसे आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसका कोई कॉन बेसिकली है नहीं, कोई वैसा कॉन जो कि मैं आपको बता पाऊँ। और सारा चीज़ अच्छा है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो एक JBL का Pulse 3 जो कि लेटेस्ट आया है वो भी है, और एक Bose का मिनी साउंड लिंक
है जो कि सेम प्राइस रेंज में है, लेकिन बेस के हिसाब में आई गेस ये बेस्ट है। और क्लैरिटी ऑब्वियसली बोश भी अच्छा है, JBL भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, तो आपको जो मन करे आप वो ले सकते हैं। ये स्पीकर मैं इसे रेटिंग दूंगा 9 out of 10, क्योंकि ये हर वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा जो कि आप एक प्रीमियम स्पीकर से उम्मीद कर सकते हैं। इसका टच भी काफ़ी प्रीमियम है, फिनिश भी काफ़ी प्रीमियम। अगर हम बात करें इसके कनेक्टिविटी की, तो आप इसको कनेक्ट आप यूजिंग ब्लूटूथ कर सकते हैं। नॉर्मली आईफोन एंड्रॉयड किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, डेस्कटॉप से भी आपके कनेक्ट हो सकता है। और ब्लूटूथ के अलावा इसमें NFC दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल होगा NFC का ऊपर में। इसके थ्रू आप NFC कॉम्पेटेबल डिवाइसेस से NFC से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑक्स केबल से कनेक्टिविटी है, जो कि आप पीछे में इंसर्ट कर सकते हैं। USB कनेक्टिविटी और microSD कार्ड इसमें नहीं है, ये भी एक छोटा सा कॉन है, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादातर हम लोग ब्लूटूथ का ही यूज़ करते हैं। और वैसे अगर मैं एक छोटा सा टिप यहाँ दूँ, तो ऑक्स का केबल would be more louder and better, slightly better than the Bluetooth वाला connection, because wireless connection से obviously maximum times wired connections better होते हैं किसी भी cases में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें हमारे चैनल को, और देखते रहिए आगे भी ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। No, there ain't no stopping us. Fly without a boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Yeah, I know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show I'm who's in charge. Call me a shooting star. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up crap like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are hating because you want shining like it's neon, rock like it's a neon. Shooting stars across the globe.